हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग की, दूसरे पार्ट की। और इस वाले वीडियो में हम समझने वाले हैं सिस्टमैटिकल सैम्पलिंग और साथ ही साथ जजमेंट सैम्पलिंग। तो इन दोनों के बारे में हम इस वीडियो में ही आप बच्चों से बात करेंगे। तो बच्चों, अगर हम बात करें सिस्टमैटिकल सैम्पलिंग की, जिसको कि हम क्वासी रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हैं, तो इसमें क्या होता है, जितनी भी पॉपुलेशन है या यूनिवर्स है, यानी कि जितने लोगों पर सर्वे कर रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं, उन सबको पहले ऑर्डर में लगाया जाता है और उनको कोई ना कोई नंबर दे दिया जाता है। ऑर्डर में लगाने का क्या मतलब है, चाहे उसे आप ज्योग्राफिकली ऑर्डर में लगाओ, चाहे उसे अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लगाओ, चाहे आप न्यूमेरिकली ऑर्डर में लगाओ या किसी और तरीके से लगाओ, लेकिन इसमें ऑर्डर में लगाना जरूरी है। मान लीजिए कि हमने बच्चों की हाइट है, यानी क्लास में बच्चों की हाइट है, ठीक है, 100 बच्चों को हमने उसको रैंक के हिसाब से लगा लिया, इस तरीके से लगा लिया, ठीक है, 100 में। अब उसके बाद क्या होता है, द सैंपल इज सेलेक्टेड बाय टेकिंग एवरी एन आइटम्स। अब मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए कि हमें 10 लोगों को सैंपल के रूप में चुनना है, 100 में से कितने लोग चुनने हैं, 10 लोगों को चुनना है। तो इसका मतलब है कि जो आइटम आएगा वो 10-10 के ग्रुप में आएगा, क्योंकि 100 का मतलब है कि आप 10-10 के एक तरीके से ग्रुप बना लेते हो, या ग्रुप तो नहीं बन रहे यहाँ पे, लेकिन टेक्निकली क्या है कि आपने सबको नंबर दे दिया। अब मान लीजिए पहला नंबर आया चौथा, ठीक है, अब ये जो नंबर आएगा वो किसके थ्रू आएगा, रैंडमली आएगा, यानी कि आपने पहला नंबर तो रैंडमली निकाल लिया, उसके बाद इसमें 10-10 जोड़ते चले जाओगे तो आपको अगले जो नंबर्स हैं वो आपको मिलते चले जाएंगे। ये आपके लिए जी, ये हो गया आपका रैंडम सैंपलिंग के नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरीके से हो गया। मैं आपको एक और एग्जाम्पल समझाता हूँ, अगर आपको ये क्लियर नहीं हुआ है तो, ठीक है। मान लीजिए टोटल 100 लोग हैं, टोटल कितने लोग हैं, 100 लोग हैं, और आपको केवल 5 लोगों को रैंडम में चुनना है, तो कितने का पहला जो होगा वो 25 से कम होगा, दूसरा 25 और 50 के बीच होगा, क्योंकि तभी तो 4 ग्रुप आएंगे। तो पहला जो होगा वो 25 से कम में आप रैंडमली सेलेक्ट करोगे, मान लो आपने 24 में सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, यानी कि 25 से कम हो गया ना ये, सॉरी 20 से कम, क्योंकि 5 है ना, 20 से कम हो गया। मान लीजिए आपने 18 सेलेक्ट कर लिया, 18वां नंबर सेलेक्ट कर लिया रैंडमली, 18वां आ गया, तो 18 में 20 जोड़ दो, कितने हो गए, 38, फिर 20 और जोड़ दो, कितने हो गए, 58, फिर 20 और जोड़ दो, 78 और 98। तो ये जो है, ये तरीका जो है, इसे कहते हैं आप सिस्टमैटिकल सैंपलिंग या क्वासी रैंडम सैंपलिंग। क्वासी रैंडम क्यों कहते हैं, क्योंकि पहला जो आएगा वो रैंडमली आएगा, उसके बाद के जो आएंगे वो उसी ऑर्डर में, जो नंबर आएगा उसी ऑर्डर में आएंगे। तो ये क्या है, सबसे पहले तो ये सिंपल मेथड है, कन्वीनियंट है, बहुत आसानी से ये हो जाता है। दूसरा, लेस टाइम कंज्यूमिंग है, ज़्यादा टाइम नहीं होता, और बायसनेस की इसमें अंदर संभावना जो है वो काफ़ी कम होती है। लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ा दोष ये होता है कि केवल पहली वाली को तो इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन बाकी के सभी जो होते हैं वो, उनको समान अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, क्योंकि 38वां आएगा या 39 आएगा ये पहले पे ही डिपेंड करता है, यानी कि फर्स्ट आइटम जो है वो तो, उसको तो चांस मिलते इक्वल, लेकिन बाकी के सभी को इक्वल चांस नहीं मिलते, तो नो इक्वल अपॉर्चुनिटी। दूसरा है कि इसके अंदर अगर आपको ये सिस्टमेटिकल सैंपलिंग यूज करनी है, तो इसके लिए जरूरी ये है कि जितने भी आइटम आपके पास हैं, जिनको भी आपको यूनिवर्स में सिलेक्शन करना है, यानी कि जितनी भी पॉपुलेशन है, उनके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। जैसे अगर मैंने हाइट के बारे में कहा, तो क्लास के अंदर अगर 100 बच्चे हैं, तो अगर मुझे 100 के 100 बच्चों की हाइट पता होनी चाहिए, तभी ये सिस्टमेटिकल सैंपलिंग काम करता है। इसके अलावा बच्चों, अगर पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, तो उस केस में ये वाला जो मेथड है ये काम नहीं करता। तो बच्चों, ये इस तरीके से हमने सिस्टमैटिकल सैंपलिंग जो है वो कंप्लीट किया। अगला जो हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, उसको हम बोलते हैं जजमेंटल सैंपलिंग। जजमेंट सैंपलिंग का मतलब हुआ जिसको हम प्रपोजिव या डिलिबरेट सैंपलिंग कहते हैं। जैसे मान लीजिए क्लास के अंदर मैं एक बच्चों को पढ़ाता हूँ, और क्लास के अंदर मुझे 2 बच्चों को भेजना है, किसी और स्कूल से कंपटीशन करने के लिए। स्टैटिक्स का एक क्विज हो रही है, जिसमें मुझे अपनी तरफ, अपने स्कूल से 2 बच्चों को भेजना है, तो मैं क्या करूंगा, रैंडम सैंपलिंग करूंगा, बिल्कुल भी नहीं, मैं करूंगा जजमेंट सैंपलिंग। जजमेंट सैंपलिंग का मतलब है, मेरी बुद्धि में, मेरी नॉलेज में, मेरे ज्ञान के हिसाब से मैं उन 2 बच्चों को भेजूंगा जो मुझे लगता है कि वो क्लास को रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी दूसरे कॉलेज में जाके या दूसरे स्कूल में जाके।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस सिलेक्शन मेथड में जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो अपनी माइंड के हिसाब से, अपनी बुद्धि के हिसाब से पूरी की पूरी पॉपुलेशन में से आइटम को सेलेक्ट करता है जो उसकी बुद्धि के हिसाब से या उसकी नॉलेज के हिसाब से पूरी की पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने वाली है। तो इस तरीके का जो मेथड है उसको हम बोलते हैं जजमेंट सैंपलिंग। जजमेंट सैंपलिंग का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि बहुत ही सिंपल मेथड है, इसमें किसी भी तरीके का टेक्निकल इशू नहीं आता और इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट आइटम है उसको छूटने का चांसेस नहीं होते। मतलब जो सबसे इंटेलिजेंट बच्चा है अगर मुझे वो भेजना है तो उस बात की संभावना बहुत ज़्यादा होती है अगर हम कोई और मेथड यूज़ करते हैं कि वो सेलेक्ट ना हो। लेकिन जो जजमेंट सैंपलिंग है उसमें इस बात के चांसेस नहीं होते जिसकी वजह से प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो पाता है। लेकिन बच्चों इसका सबसे बड़ा दोष ये है कि इसमें पर्सनल बायसनेस के चांसेस हमेशा बने रहते हैं, यानी कि जो इन्वेस्टिगेटर है वो पक्षपात करे इस बात के चांसेस हमेशा बने रहेंगे। ऐसा हो सकता है कि वो उस व्यक्ति को चुन ले जो क्लास में सबसे इंटेलिजेंट है, उसको ना चुन के किसी ऐसे व्यक्ति को चुन ले जो उसका जानने वाला है, तो इस बात के चांसेस हमेशा बने रहते हैं। इसके अलावा हमेशा इस वाले जजमेंट में हमेशा एरर हो सकती है, यानी कि आपको लगता है कि अगर कोई व्यक्ति सबसे बेस्ट है तो ये जरूरी नहीं है कि वो सबसे बेस्ट ही हो सकता है कोई और भी बेस्ट हो। इसके अलावा बच्चों इस तरीके के मेथड पे लोग कम विश्वास करते हैं क्योंकि इसमें जो बाइसनेस है उसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इस तरीके से बच्चों हमने आप भी दो मेथड के बारे में डिस्कस किया, सिस्टमेटिकल सैंपलिंग और जजमेंट सैंपलिंग। अगली वीडियो में हम बचे हुए जो दो मेथड और हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे जो सैंपलिंग में यूज़ किए जाते हैं। बच्चों इस वाली वीडियो में हम आपको इतने करा रहे हैं, थैंक यू।